अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अक्की और मास्टर कुकिंग विद अक्की में आप सबका स्वागत है। क्या इस वैलेंटाइन डे आप अपने वैलेंटाइन को इम्प्रेस करना चाहते हैं? तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही डिलीशियस माउथ वाटरिंग हेल्दी रेसिपी, जिसे आप बनाकर अपने वैलेंटाइन को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये रेसिपी में हमने ना तो मैदा यूज़ किया है, ना एग का इस्तेमाल किया है और ना ही बेकिंग पाउडर। हम इस रेसिपी को एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे। चलिए तो आज हम बनाते हैं चॉकलेट ब्राउनी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप मेल्टेड सॉल्टेड बटर। साथ ही में ऐड करते हैं 3 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर और 3/4 कप दूध। अगर आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप ब्राउन शुगर या फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने ऐड कर दिया है आधा कप गेहूं का आटा और 6 टेबल स्पून कोको पाउडर। साथ ही में ऐड करते हैं 1/4 कप चॉकलेट, या फिर आप चॉकलेट चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक बेकिंग ट्रे के अंदर इस तरह से सारे बैटर को पोर कर देंगे और इसको लेवल करके और चॉकलेट भी ऐड कर देंगे ऊपर से, ताकि ये एकदम चॉकलेटी ब्राउनी बनकर तैयार हो। अब इसे हम माइक्रोवेव में 2 मिनट के लिए इसे माइक्रोवेव कर लेंगे और ये देखिए मज़ेदार सी चॉकलेट ब्राउनी हमारी बनकर तैयार है। देखिए कितनी मज़ेदार सी एकदम परफेक्ट ब्राउनी बनकर तैयार है। आप भी ये आसान सी रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने वैलेंटाइन को इम्प्रेस कीजिए। चलिए तो अब हम सर्व करते हैं। चॉकलेट सिरप से हमने इस तरह से डिज़ाइन कर ली है। स्ट्रॉबेरीज बारीक कट करके हमने इस तरह से रख दी है और अब आता है हमारा हीरो इंग्रेडिएंट चॉकलेट ब्राउनी। इसको आइसक्रीम के साथ सर्व किया है, वनीला आइसक्रीम के साथ। तो आप भी बनाइए और अपने वैलेंटाइन को इम्प्रेस कीजिए और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपका वैलेंटाइन इम्प्रेस हुआ या नहीं। तो फिर ऐसे ही डिलीशियस रेसिपीज के लिए देखते रहिए मास्टर कुकिंग विद आकी। और आप रमज़ान रेसिपीज के लिए मेरे रमज़ान रेसिपीज प्लेलिस्ट को ओपन करके सारी रेसिपीज देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉच।